नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक के बारे में। हमारे सामने बैठी है मिस सोनू। अभी ये पॉलिटेक्निक करना चाह रही हैं, तो इनके कुछ एक क्वेश्चन है। ये पॉलिटेक्निक में क्या क्या जानना चाहते हैं। इनका पहला क्वेश्चन है जी, ये पॉलिटेक्निक होता है क्या चीज़ है। अच्छा, इनका दूसरा क्वेश्चन है पॉलिटेक्निक का कोर्स कितने साल का होता है। इनका तीसरा क्वेश्चन है पॉलिटेक्निक एडमिशन की एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले तो उसका क्राइटेरिया क्या है एडमिशन का। अगला है इनका, पॉलिटेक्निक में कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, कौन सी ब्रांच होती है और हमें कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए। इनका अगला क्वेश्चन है पॉलिटेक्निक के बाद क्या क्या ऑप्शन है। इसके बाद इनका ऑप्शन है, इनका क्वेश्चन है कि पॉलिटेक्निक के साथ बारहवीं भी हो सकती है। इनका अगला क्वेश्चन है पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक कितने साल की होती है। अगला क्वेश्चन है पॉलिटेक्निक के बाद बीए बीएससी बीकॉम भी कर सकते हैं क्या। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक क्या होती है। पॉलिटेक्निक वाला होता है इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर जिसको हम जेई बोलते हैं। इंजीनियर क्या होता है। इंजीनियर वो होता है जो कम खर्चा लगा कर ज़्यादा से ज़्यादा कमा कर दे, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट प्रोवाइड करे, कम खर्चा लगा हुआ ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कर दे, उसको बोलते हैं इंजीनियर। ठीक है, पॉलिटेक्निक वाले होते हैं जूनियर इंजीनियर। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन था पॉलिटेक्निक का कोर्स कितने साल का होता है। पॉलिटेक्निक का कोर्स 3 साल का होता है। अगर किसी बच्चे ने आईटीआई कर रखी है या फिर प्लस टू नॉन मेडिकल से या मेडिकल से कर रखी है तो उसके लिए पॉलिटेक्निक 2 साल का होगा। बाकी जिन्होंने 10वीं कर रखी है उसके लिए पॉलिटेक्निक 3 साल का होगा, आईटीआई वाले के लिए 2 साल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पॉलिटेक्निक एडमिशन की एलिजिबिलिटी क्या है। अगर हम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं जो 3 साल वाले कोर्स में, उसके लिए 10वीं क्लास में आपके पास आपके 35% नंबर होने चाहिए। अगर आप 35% नंबर से पास हैं तो फिर आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। अगर 12th क्लास में हमारे पास नॉन मेडिकल है तो कितनी परसेंटेज होनी चाहिए। अगर 12th क्लास में आपके पास नॉन मेडिकल है, अगर आपके 35% नंबर भी हैं तो भी आपका पॉलिटेक्निक हो सकता है। अगला क्वेश्चन है पॉलिटेक्निक में कौन सी ब्रांच होते हैं। देखो, हर चीज़ को करने वाला एक इंजीनियर होता है। आपको जितनी चीज़ें दिखाई दे रही है ना, इन सब को बनाने वाला एक इंजीनियर है। जिससे आपने ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इस बिल्डिंग को बनाने वाला सिविल इंजीनियर है। अच्छा, अगर आपने जैसा प्रिंटर वगैरह दिखाई दे रहे हैं, लैपटॉप वगैरह दिखाई देते हैं, कंप्यूटर वगैरह, इन सब को बनाने वाला कंप्यूटर इंजीनियर है। जैसे हमारे पास मोबाइल होता है, मोबाइल को बनाने वाला इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर होता है। ऐसे ही जो अब हम पंखे के नीचे बैठे हैं, इलेक्ट्रिकल क्या होता है। देखो, 2 टाइप की लाइट होती है। एक होती है ए सी लाइट चलती है ऐसे अल्टरनेट करंट। उस जो ए सी के ऊपर ऑपरेट होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल, जो डी सी के ऊपर ऑपरेट होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इसके अलावा एक ब्रांच होते हैं मैकेनिकल। मैकेनिकल में क्या होता है, सुई से लेके हवाई जहाज तक बनाने वाला एक मैकेनिकल इंजीनियर होता है। जैसे जितने भी गाड़ियां हैं, कार, बाइक, स्कूटर, हवाई जहाज हैं, बड़े व्हीकल जितने भी हैं, इन सब को बनाने वाला मैकेनिकल इंजीनियर होता है। मतलब कहने वाली बात यह है, हर चीज़ को बनाने वाला एक इंजीनियर होता है। ठीक है, अच्छा, आपको कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए। इंजीनियरिंग की सारी ब्रांच अच्छी है, हमें वो ब्रांच लेनी चाहिए जिस ब्रांच में हमारा इंटरेस्ट है। जिस ब्रांच में हमारा इंटरेस्ट होगा उस फील्ड में हम काम करेंगे तो उसमें हम ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो इसलिए ब्रांच वो लेनी चाहिए जिस ब्रांच में हमारा इंटरेस्ट है। अच्छा, उसके बाद आता है पॉलिटेक्निक के बाद ऑप्शन क्या क्या हैं। अगर पॉलिटेक्निक के बाद अगर आप जॉब करना चाहते हो तो आप जॉब भी कर सकते हो, और उसके साथ साथ अगर आप आगे पढ़ाई करना चाहते हो तो आप आगे पढ़ाई भी कर सकते हो। आप बीटेक भी कर सकते हो, बीए बीएससी बीकॉम कोई भी कोर्स कर सकते हो। उसके बाद पॉलिटेक्निक के साथ साथ 12th भी हो सकती है क्या। हाँ, जो बच्चा 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेता है उसको 12th करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा प्लस टू के इक्वल होता है। और अगर कोई बच्चा प्लस टू ये चाहता है कि मैंने पॉलिटेक्निक में ले लिया 10वीं के बाद, वो चाहेगा कि मेरे पास हरियाणा बोर्ड या CBSE हरियाणा बोर्ड की मेरे पास अगर प्लस टू की मार्कशीट भी आ जाए तो उस बच्चे को प्लस टू अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। एक हिंदी या इंग्लिश का एक पेपर देना पड़ता है, वो पेपर देने के बाद उसके पास प्लस टू नॉन मेडिकल की मार्कशीट भी आ जाती है जो बच्चा पॉलिटेक्निक करता है। पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक कितने साल के होते हैं। जो बच्चा प्लस टू करके बीटेक में जाता है उसके लिए बीटेक 4 साल की होती है, और पॉलिटेक्निक करने के बाद बीटेक में जाएगा तो उसकी बीटेक 3 साल की होगी, क्योंकि उसका सीधा एडमिशन सेकंड ईयर में हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है पॉलिटेक्निक के बाद बीए बीएससी बीकॉम भी कर सकते हैं। हाँ, पॉलिटेक्निक के बाद हम बीए भी कर सकते हैं, बीएससी भी कर सकते हैं, बीकॉम भी कर सकते हैं, लेकिन बीबीए बीसी और भी काफ़ी सारे कोर्स कर सकते हैं। जहाँ प्लस टू की रिक्वायरमेंट है वहाँ हम पॉलिटेक्निक को लगाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको पॉलिटेक्निक बेस के ऊपर आप ये सारे कोर्स कर सकते हो। अगर आपको भी किसी को पॉलिटेक्निक संबंधी कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, अगर आप भी पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं
तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8933073000 8930073000 8930073000। धन्यवाद।